नायाब मखलूक साहब, आप मतलब ये जो आर्ट है, ये जो कला है, इसके बारे में और अपने बारे में कुछ हमें बताइए। और मैं ऊपर देख रहा हूँ आपको, आप नगीना से हैं, उत्तर प्रदेश से, और आपको बहुत सारे नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, और आपकी आर्ट आपके सामने दिख रहा है कि मतलब इतनी बारीकी से ये चीज़ें आपने बनाई हैं, कुछ हमें बताइए आपके बारे में और आपकी कला के बारे में। देखिए, मैं मेरा नाम मोहम्मद मतलूब है जी, और मैं रहने वाला नगीना उत्तर प्रदेश ज़िला बिजनौर से ही हूँ जी, और पैदाइश मेरी वहीं की है, लेकिन अब मैं चौहान वांगड़ श्रीरामपुर में दिल्ली में हूँ जी जी, जहाँ पर ये चीज़ें बना रहा हूँ। हालांकि नगीने में हमारे भाई हैं दूसरे, मोहम्मद फारूक, वो भी नेशनल अवार्डी हैं जी जी, वो वहीं पर देखते हैं काम को जी, और जो ऑर्डर्स आते हैं जिस तरह काम के, तो वो वहाँ देखते हैं, मैं यहाँ देखता हूँ। अच्छा, वर्कशॉप यहाँ पर भी है और उधर भी है। तो इस काम की जो बारीकियाँ हैं, वो आज के दौर में तो अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है काम करना, क्योंकि नई जो जनरेशन है हाँ, वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो है जी जी, और पहले भी पढ़ाई अच्छी चीज़ है, पढ़ाई हो, बिल्कुल सही बात। लेकिन जब बच्चे 12वीं क्लास तक 10वीं क्लास तक पढ़ लेते हैं, तो अब उनका काम में नहीं लगता है, अब वो तो पढ़ेंगे ही, पढ़ने के बाद वो 12वीं के बाद अगर वो पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये अच्छी बात है, बनना चाहिए, और बगैर तालीम के काम भी मज़ा नहीं आता जी जी। अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो काम भी अच्छे से करेगा, उसमें सलाहियत आती है, लेकिन अगर पढ़ लेते हैं 12वीं क्लास से, पढ़ाई छोड़ते ही हैं, तो इस काम में नहीं आते, तो इस कला को वो नहीं करना, इस कला में नहीं आते, फिर वो जाएंगे मोबाइल की शॉप पर, खेल की दुकान पर जी जी जी। या कोई खेल परचेज के बाद, वो हाथ से काम करना पसंद नहीं करते, जो लोग 12वीं क्लास तक पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग बचपन से सीखे हुए हैं, आपने किस उम्र में शुरू किया? हमने तो 5वीं क्लास पढ़ाया बस, और 5वीं क्लास तक भी पढ़ते पढ़ते हमारे वालिद साहब सुबह से दोपहर तक हम स्कूल जाया करते थे, और दोपहर के बाद काम सीखने जाते थे अपने ताई की दुकान पर, जहाँ पर ये बुटार में काम होता है, फिर मगरिब से लेके जो शाम को 1 घंटे के लिए एक और जगह जाते थे, वहाँ में मिलते थे 25 पैसे, दिन में मिलते थे हमें 50 पैसे। तो इस तरह से हम ये काम सीखे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, 5वीं क्लास तक हमने पढ़ा। कितने साल हो गए आपको साहब काम करते हुए, मतलब सीखते हुए? तकरीबन 40 साल का एवरेज तो हो गया, क्योंकि मैं 10 साल की एज से बराबर, हालांकि स्कूल के दौर से ही हम काम सीख रहे हैं, हमारे वालिद साहब ने हमें इसी तरह से हम काम से पहले लोग सीखते थे, दिन में स्कूल जाते थे, शाम को अपना काम करते जी, थे जी, जी, जी। खुद टाइम था नहीं, तो मैं जब से इसी काम में लगा हुआ हूँ। उसके बाद मैं ताए अब्दुलरहमान हैं हमारे जामा मस्जिद जी, अब तो गुजर गए, वो भी राष्ट्रपति पुरस्कार थे, हमारे वालिद साहब ने उनके पास छोड़ दिया मुझे, फिर मैंने उनके पास काम किया आधी रात का ही, नक्काशी का, वहीं काम सीखा, और उन्हीं काम सीखते सीखते आज मैंने अपना काम किया उसी टाइम। इस काम को क्या बोलते हैं, मतलब ये मुगल वुड कार्विंग के नाम से कहलाती है, जो बारीक नक्काशी होती है, जो मुगलों के दौर में लाल किले में, ताजमहल में, जरो पत्थरों में आप देखना कहीं भी, इस तरह की जालियाँ हैं, मुगलों की जालियाँ हैं, हालांकि ये मुगल वुड कार्विंग भी कह सकते हैं, वुड कार्विंग असल तो वुड कार्विंग ही है, लेकिन ये डिज़ाइन जो है ये मुगल वुड कार्विंग है, क्योंकि ये 6 मास के डिज़ाइन, 4 मास के डिज़ाइन, 8 मास के डिज़ाइन ये आपके पत्थरों में, जालियों में आपको मिलेंगे, जो मुगली इमारतें हैं। कैन यू रियली सी द बारीक? मैं लकड़ी में बनाता हूँ ये चीज़ें। और ये क्या वुड है, किस लकड़ी में बनाते हैं आप? ये हम रोजवुड, शीशम, एबोनी, इन लकड़ियों पर काम करते हैं, हालांकि अब ये लकड़ी बहुत महंगी और डिफ़िकल्ट हो रही, तो अब हम टीक वुड पर भी आ रहे हैं, और एक सफ़ेद लकड़ी चल रही कैम के नाम से, उस पर भी बना रहा है काम, और शीशम में आमतौर से चल ही रहा था, शीशम में भी करते हैं इस काम को। ये जो एक पीस आप बनाते हैं, इसको कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने में? इस बार ये पीस मिनिमम इसमें 2 दिन लगेंगे, कम से कम 2 दिन, इसकी जाली इस नफा सस्ता बनाने के। और जो 2 से 3 दिन में इसको बना रहे हैं, उन वो कितने सालों में इसको सीखे होंगे बनाना, मतलब कितना तजुर्बा चाहिए इसको करना बनाने के? कम से कम 1 साल। एक साल एक की साल ट्रेनिंग अगर इंसान को दी आप दे रहे हैं, तो वो ऐसी जाली बना पाएगा? क्या बात है, हम 1 साल की ट्रेनिंग में, क्यों बच्चे मेरे पास आते हैं काम सीखने जी जी जी, और मैं सिखाता भी हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में, और स्टिक मैके एक संस्था है, स्टिक मैके, वो मुझे बुलाते हैं बराबर, उनके जो भी प्रोग्राम होते हैं जो इंडिया के कल्चर को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें आपके जो कथक जी और ये म्यूजिक के प्रोग्राम होते हैं, और उनके भी उसमें वो हैं कल्चर जो हमारा इंडिया का है, तो उसमें हमारी वुड क्राफ्ट भी है, तो वो जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो मुझे वो बुलाते हैं। IIT रुड़की में हुआ प्रोग्राम है, उसके अंदर मुझे उन्होंने सब स्टूडेंट को मैंने काम सिखाया, IIT कानपुर में हुआ 2012 में, वहाँ उन्होंने बुलाया तो उसमें मैंने सिखाया, IIT पवई बॉम्बे में हुआ 2015 में, तो वहाँ पर मुझे उन्होंने बुलाया। तो कुछ आप अपने हाथ की कारीगरी, आपका जादू दिखाएंगे, कैसे कर रहे हैं आप इसको? जी, पहले हमारा ये
ये देखिए व्यूअर्स कितने ही बारीक टूल्स हैं। ये पहले हमने ये इसका वो बनाया हुआ साइज जी जो हम डिज़ाइन करते हैं शहमास का, तो ये पहले नंबर पे हम ये निशान लगाते हैं और इसके अंदर हम ये प्रकार लगा देते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लगा कर ये एक प्रकार, इसके अंदर हम छोटी प्रकार बना रही है हमने ये वाली, इसके अंदर ये लगा जो ये लगी हुई है मैं लगा के दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं होल जी इनके अंदर, जैसे ये हुए होल हैं जी 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 जी। ये घर पर हम करते हैं मशीन से, जहाँ पे एरिया है जी जी। वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक ड्रिल इस्तेमाल करते हैं घर पर, उसमें थोड़ा कम समय लगेगा। ये बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, इसको क्या क्या सामान हैं आपके, इनको क्या क्या, ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये गिफ्ट बॉक्स हैं। ये आपने कर दिए जी। अब जैसे हमने ये हमारी फाइल है जी, जो छतरी की तीलियाँ होती हैं पुरानी, हाँ। वो हम खरीद के भी अपने हाथ से फाइल से घिसके इससे हम घिसके और उसके दाँतें निकालते हैं, ये भी हाथ की बनी हुई होती है हमारी। टूल भी आपके अपने हाथ से बना और ये हम इसका एक टेंगा इधर रखेंगे, यहाँ इधर इसके हर इसका अड्डा हमारे पास घुमाने का है घर पर। देखिए एवरी जी जी हर कोना जो है वो बारीकी से बनाया हुआ है, ये कितनी बारीकी का काम है, एक एक कोना एक एक कॉर्नर यू कैन सी कितना डिटेलिंग है ये एक पीस में। ये ऐसे अब इधर का चलेगा इसमें, उसके बाद थोड़ा करके फिर इसमें पहले एक बार रफ चलता है फिर चलता है सफाई में। क्या बात है, बहुत सब्र का काम है ये, कितना पेशेंस चाहिए आपको इतना बारीक काम करने के लिए। यू कैन सी व्यूअर्स की इंडियन आर्ट को कैसे वो जिंदा रखे हैं, बढ़ा रहे हैं और इसी तरह से इसकी जा रही हैं जी, जो बनती चली जाती हैं। क्या बात है। उसके बाद में एक होल इसमें और करते हैं बीच में जी जी जी। इस तरह बनता चला जाता है। अब ये जो पीसेज आप बना रहे हैं बेसिकली किस किस काम में लोग गिफ्ट, ये तो ड्राई फ्रूट आइटम बनाई हमने जी जी जी, इसमें ड्राई फ्रूट रखे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और ये बनाई वर्किंग टेबल सेट, अगर ये टेबल पर रख लेते हैं जी जी और इसमें कुछ भी पेन है पिन है इस्तेमाल कर सकते हैं वर्किंग टेबल। और ये है मेकअप बॉक्स और जीवन कुछ भी गिफ्ट करने के लिए, कितना खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स है, कमाल का काम किया हुआ है। इसको एक पीस को बनाने में कितना टाइम लगता है? इसमें कम से कम 15 डेज 15 दिन 15 दिन में एक पीस तैयार होता है। कैन यू सी, और ये किस लकड़ी में बना हुआ है? रोज़वुड जी। इट्स अ मास्टर पीस, बहुत ही ये हमारे जो है मास्टरी पीस कहलाते हैं, क्योंकि इसको हर आदमी नहीं खरीदते, जो स्पेशल कोई गिफ्ट करना होता है किसी को तो वही लोग ज़्यादातर लेकर जाते हैं, नहीं तो जो हमारी इसमें प्लेन काम भी करते हैं हम। अच्छा, जो शीशम की लकड़ी के ऊपर है किसी में पीतल का इनले हो जाता है इस तरह से, जैसे ये रखे हैं पीतल का कुछ कुछ, तो हल्की हल्की चीज़ें सस्ती सस्ती ये इनले हुआ है वर्क है, तो ये थोड़ा सस्ता बैठता है, ऐसा भी हम काम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वो नहीं लाया था क्योंकि यहाँ पर स्पेशल एक प्रोग्राम था, इनमें सारी कारीगरी की चीज़ें दिखानी थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये लेकर आया हूँ। ये इनले वर्क है जी, ये पीतल का वायर अंदर बैठा हुआ है, अंदर बैठाया हुआ है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें ही बनाते हैं हम, ये क्लिप हैं बालों के जी, इसमें पीतल का इनले कर दिया,
छोटे छोटे। और ये प्रोडक्ट्स ज़्यादातर कहाँ पर आप सेल करते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये राजीव गांधी हैंडीक्राफ्ट भवन में कमला शॉप है जी जी जी, वहाँ पर मैं देता हूँ जी। एक गुप्ता आर्ट गैलरी है मेहरौली में जी, वो मुझसे खरीदते हैं। उसके अलावा सेंट्रल कॉलेज है, वहाँ पर भी हमारा। अगर किसी ने आपसे डायरेक्टली सामान खरीदना हो तो वो कैसे आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है? अगर कोई आपसे सामान लेना चाहे, आप देते हैं उनको डायरेक्टली भी बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं डायरेक्टली देता हूँ। वो तो अपनी मर्जी है हमारी कि हम वहाँ देते हैं, कि हमारे पास एक जगह नहीं है जी, जी। तो कमला शॉप एक ऐसी शॉप है कि वो बराबर उनकी शॉप पे रखा हुआ सामान हमारा आराम से मिल जाता है। ये फ्रेम दिखाइएगा, ये आपके फ्रेम्स हैं, ये किस चीज़ में बना हुआ है? ये भी लकड़ी के अंदर है। क्या वुड है ये? रोज वुड है। रोज वुड क्या बात, इसकी ये भी लकड़ी की है। देखिए ये भी लकड़ी की है, ये भी बिलाई लकड़ी की बनाई गई है। ये पूरा वुड में तैयार किया गया है, और ये पूरा बेस पीछे का आगे से पूरा कंप्लीट वुड में। और इसका जो ज्वाइंट है देखिए आप, इसमें ज्वाइंट यहाँ है हाँ। और इसको बीच में करके, और इसका ज्वाइंट यहाँ है, ये आर पार नहीं है। ये जो ज्वाइंट आप देखिए जी जी, ये ज्वाइंट जो दिखाई दे रहा है हाँ। ये ज्वाइंट पूरा पीछे नहीं है, पीछे नहीं है। क्या बात, इसका ज्वाइंट यहाँ दिखा है ताकि मजबूती के लिए इसको इसको ऐसे फंसाया गया है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हाँ, मजबूती के साथ में, ताकि ये जोड़ जो है खुलते नहीं है, वरना कुछ दिनों बाद ये ऐब नजर आते हैं ज्वाइंटों में, ज्वाइंट ये ज्वाइंट नहीं खुलेंगे। ये खाली दिखाने का आपने ये दिया है ये इधर, क्यों इसके बगैर तो आ नहीं सकता था ना। सही, ये तो एक दो तीन चार पीस में बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, चार पीस लकड़ी वुड के एक पीस ये बनाया हमने, एक वुड ये लिए, एक ये लिए, एक ये लिए, तभी एक ज्वाइंट लिया पूरा पीस उसके, तो इसके ज्वाइंट तो आना ही आना था, वन पीस में तो बन नहीं सकता, वन पीस में नहीं बनेगा फ्रेम, क्योंकि इसके रेशा बदल जाता है हाँ। रेशा इसका भी ये चाहिए, इसको यूँ चाहिए, इसको यूँ चाहिए, बिल्कुल सही है सना से। तो मतलूब साहब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपकी कारीगरी देख के सच में मतलब गर्व होता है कि इतनी खूबसूरत चीज़ें हिंदुस्तान में बनाई जा रही हैं। इसी वजह से अब ये थोड़ा थोड़ा ये सिंपल काम है जी जी, अब इसके अंदर पीतल का इनले वर्क कर दिया, ये पीतल की शीट बिठा दी, तो अब ये चीज़ें हमारी थोड़ी सी ज़्यादा ऑर्डर पर आ जाती हैं और चल जाती हैं। लेकिन इसको हम बाकी इसलिए रखे हुए हैं कि ये हमारी पुरखों की विरासत है, पुरखों की विरासत, और ये हमारे नगीने से पहले भी काफ़ी लोगों को अवार्ड दिए गए जी जी जी। मलका विक्टोरिया ने हमारे एक पुरखों में एक दादा लगते थे रिश्ते के जी, उनको अवार्ड मिला 1911 में इंग्लैंड से, और हमारे एक ताए लगते थे रिश्ते में तो उनको 1965 में मिला जब शुरुआत हुई थी अवार्ड की जी, और उसके बाद 1982 में मिला फिर नगीने में ही हमारे रिश्तेदारों में, तो तीन अवार्ड हमारे नगीने में आ चुके थे। उसके बाद फिर मुझे मिला 2005 में, मेरे वालिद साहब को मिला था नेशनल अवार्ड। जो शुरुआत मतलब प्राइस आपका जो होता है, कॉस्ट होती है चीज़ों की, वो कहाँ से शुरू हो जाते हैं, किस रेट से लेके और कहाँ तक जाते हैं? अब तो छोटे चीज़ें मैं 50 रुपये तक शुरू करता हूँ बेचने, तो ये की रिंग्स वगैरह हैं व्यूअर्स, ये आपको 50 रुपीज़ से शुरुआत हो जाती है, और ये जुड़ा स्टिक है जी छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आप ले सकते हैं। मैं दो लकड़ियों में बनाई है, एक लकड़ी ये है बीच में जी, ये काली वाली, एक लकड़ी ये है, ये सबको जोड़ के तीन लकड़ियों को फिर से गोल किया, ये कोनी है डिज़ाइन इनले है, ये लकड़ी को जोड़ा गया इनले अंदर बिठाना, ये जोड़ा गया, जोड़ के फिर टर्न किया। क्या बात, ये तीन ज्वाइंट है। कैन यू सी, ये तीन पीसेस में बना हुआ पीस है, इसमें तीन पीसेस से जोड़ के इसको बनाया गया है, इतनी बारीकी का काम। अब ये झरोखे हैं, इसे बड़े बड़े पार्टीशन हम बनाते हैं जी, 5 फुट के भी 6 फुट के भी जी जी, ऑर्डर पर। तो ये इसमें भी देखो अलग डिज़ाइन है, आप देखें जी, ये डिज़ाइन अलग है हाँ, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, है। तो ये एक सैंपल है, अगर कोई इस तरह का ऑर्डर आता है हमारे पास, स्पेशल कोई चाहे हमारे कि हमें कोई नायाब पीस चाहिए, तो हम उसके लिए ये बड़ा पीस तैयार करें। बहुत बहुत शुक्रिया मतलब साहब, जो काम आपने दिखाया वो वाकई में काबिले तारीफ़ है, कोई शब्द नहीं मेरे पास आपकी तारीफ़ के लिए, और कितना मेहनत का काम है, कितनी शिद्दत का काम है। ये लैंप्स भी आप ही ने बनाए हैं जी? ये भी वुड में बना हुआ है? सब वुड में है, ये सस्ती वाली वुड, जो थोड़ी लकड़ी है सस्ती वाली है, जो इस लकड़ी पर हम थोड़ा काम, ये कौन सी लकड़ी है? कैम कहला दी, ये वुड है, ये एक ही है। और ये तो लाजवाब पीस लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत पीस है। तो लैंप्स वगैरह भी अगर आप बनवाना चाहें व्यूअर्स तो बनवा सकते हैं। मतलब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपकी मुझे डिटेल्स दे दीजिए तो हम डिस्क्रिप्शन में आपका कार्ड, आपकी वेबसाइट या आपका नंबर हम उसमें शेयर कर दें, ताकि लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, जो वीडियो बनेगा उसको लोग देखेंगे जी, और जी। आपके नंबर या आपको कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करें ऑर्डर वगैरह देने के लिए
आप अपना नंबर हमें दे दीजिए तो हम अपना वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ये नंबर डाल देंगे। तो ये अब जब भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है हमारी तो एक तो हमारा कार्ड है, हाँ ये दे लीजिए व्यूअर्स, इसको थोड़ा सा क्लोजअप से आप कार्ड देख सकते हैं, इसी यही डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करेंगे। जी थैंक यू बहुत बहुत। डायर है छोटा वाला जी, ये बच्चे ले रहे हैं इसको, तो अब छोटी छोटी चीज़ों में भी जो आसानी के साथ लोग खरीद सकें कर सकें। ये गेम है लकड़ी की शीशम के, ये पोस्टर गेम चलाता है, तो इस तरह बहुत चीज़ें इसमें छोटी छोटी और सिंपल चीज़ों में हम कर रहे हैं काम। लेकिन जो स्पेशल काम है हमारा कारागरी है वो इन चीज़ों के ऊपर हमारी एक पुरखों की देन है। ये क्या कॉस्ट वगैरह करते हैं जैसे ये पीसेज हैं अंदाज़ा? जी ये जो पीसेज हैं आपके आर्ट पीसेज, ये किस रेंज से शुरू हो जाता है? ये हमारा ये मिनिमम कम से कम अगर हम इसको कम से कम भी देंगे तो 8000 से कम, 8000 की इसकी कॉस्ट है। भाई ये तो डायरेक्टली आपसे मिल रहा है, आप बना रहे हैं तब ये मार्केट में, तो ये और महंगा मिलेगा। वो अलग रेट है, हाँ वो तो बहुत महंगा है, अलग रेट है। और बाकी हमारे जो रेट है जी ये 1500, ये 1500 क्या बात है। और ये जो छोटा वाला है कौन, एक ये बॉक्स है हमारा, इस पे ऑर्डर आ जाता है तो ये बॉक्स मेरा 1200 में तैयार ऑर्डर में दे देता हूँ। क्या बात है, 1200 बहुत ही खूबसूरत। और ये डाइस के क्या प्राइस हैं? 50 रुपीज़ बस, बहुत ही इकोनॉमिकल है, 50 रुपीज़ ईच। अगर कोई ऑर्डर आएगा तो उस पर फिर हल्का हो जाएगा। ये कितने का होता है? ये 250। मतलूब साहब एक मैसेज देना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मैसेज है, मतलूब साहब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो आपसे कहा ना कि बच्चे पढ़ने के बाद काम नहीं कर पाते, जी जी जी, वो मेरा कहने का मकसद ये है, पढ़ाई गलत चीज़ है। हाँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ जैसे मुझे मौके मिलते हैं, इस वक्त यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, इंग्लिश बोलना मैं नहीं जानता, तो अगर मैं अच्छे से पढ़ा लिखा होता तो मैं अपना बिजनेस बहुत आगे ले जाता। बिल्कुल, तो पढ़ाई का होना भी बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है, लेकिन हुनर भी होना ज़रूरी है बिल्कुल, अगर हमें काम करना है तो। इसलिए अगर हमें अपने इंडिया के, भारत सरकार, भारत के अपने जो हमारे कल्चर है, भारत के जो हमारी एक परंपरा है और जो विरासत है जिसमें वुड कार्विंग भी है, पेपर मशी है और टेराकोटा है, बहुत हमारे जरदोजी है, लखनऊ की चिकनकारी है, तो बहुत वर्क है, बहुत सारे जितने हमारे इंडिया का कल्चर है और पुराने आर्ट है, अगर उनको बाकी रखना है तो हमें ये स्कूल से शुरू करना होगा। जैसे हम स्कूल से एक बेसिक पढ़ाते हैं ना, इसी तरह स्कूल के अंदर बच्चों को एक घंटा या आधा घंटे के लिए क्लास दी जाए, बच्चों किसी भी आर्ट के, मैं नहीं कहता मेरा वुड क्रैम वुड का, किसी भी आर्ट की, हर आर्ट की थोड़ी 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 उनको एक क्लास बताई जाए, सिखाई जाए, उनसे कराया जाए, आधे घंटे की क्लास होनी चाहिए बच्चों की, तब ये अगर सिलसिला चले। तो अब वो अगर 12वीं क्लास के बाद बच्चे नहीं भी पढ़ते तो उनको इसका इल्म होगा कि ये काम कैसे होता है, अगर वो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे तो उन्हें मालूम है कि हमने काम कैसे किया था, कितनी मेहनत से होता है, वो खरीदार भी बनेंगे उस चीज़ को, उस रेट में खरीदने वाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का इल्म है कि हमने इसे कितनी मेहनत से सीखा था, ये कैसे करते हैं, कितने इसके टाइम लगता है, कितना इसमें वक्त लगता है, तो वो उस मजदूर को पूरा पैसे वाले पैसा देने वाले बनेंगे। बिल्कुल सही, अपने दौर में जाके और वो चीज़ की इज्जत करेंगे, इज्जत भी करेंगे। अभी उनको मेरे पास जो बच्चा था उन्हें ये मालूम नहीं पता कि लकड़ी कौन सी है, पिलाई है या लकड़ी है या शीशा में, नाम भी नहीं जानते बच्चे, बिल्कुल सही, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो अगर हमें अपने आर्ट को बाकी रखना है तो बच्चों को सिखाना होगा स्कूल के जरिए, उसके लिए हम तैयार हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा स्कूलों में, कॉलेजों में बराबर जाता हूँ, मैं दीवान पब्लिक स्कूल है वहाँ जाता हूँ, इसमें ये शिवनादर स्कूल है आपका, यहाँ बराबर आता हूँ मैं, इसमें क्लास होती है मेरी। क्या बात, ये नोएडा में सेक्टर 68 में, जो उस पर भी कभी कभी कार्विंग की वर्कशॉप होती है, तो जो भी मुझे कोई बुलाते हैं, मौका देते हैं, मैं हर स्कूल में जाता हूँ, सिखाता हूँ। तो बल्कि इसके लिए हम तैयार हैं, मेल फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे कोई चाहे मुझसे काम सीखे मुझे बुला दें। क्या बात है, लेकिन इसको स्कूलों से शुरू करें भारत सरकार हमारी। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात कही आपने कि इसको अगर हमारे स्कूलों में ही इसको आधा घंटा एक घंटा अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरह आर्ट और क्राफ्ट को सिखाया जाए, अलग अलग भारतीय कलाओं को सिखाया जाए, तो वो ये ज़िंदा भी रहेंगी और ये आर्ट आगे बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हमारी कला की इज्जत होगी, हमारे लोग उसके बारे में, उसकी महत्वता के बारे में जानेंगे। मॉडर्न स्कूल है बारह खंबा रोड, जी जी जी, उसमें बाकायदा एक रूम बना हुआ है, उसमें वुड क्राफ्ट की हमेशा एक घंटे की क्लास होती है। क्या एक हफ्ते में एक बच्चा वहाँ जाएगा तो वहाँ पर क्लास लेगा, मैं वहाँ पर भी जाता हूँ जी जी जी, मतलब ट्रेनिंग देने के लिए, और एक टीचर उन्होंने परमानेंट वुड क्राफ्ट के रखे हुए हैं,
बहुत इस तरह से ये पहचानूँ, हर स्कूल में होनी चाहिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो व्यूअर्स, अगर आप ये बात को पहुँचा पाएँ इंडियन गवर्नमेंट को, तो प्लीज़ पहुँचाइए, ये आर्ट और क्राफ्ट को आगे बढ़ाने में हेल्प करिए और इसको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएँ। इसको अगर आप इसके गिफ्ट्स को ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, तो इन गिफ्ट्स को परचेज़ करें, इंडियन प्रोडक्ट को, इंडियन कला को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू।